कैसा अद्भुत प्रकाश है। ये ऋषि आकार में इतने छोटे हैं, पर इनका तेज इतना अधिक है कि समस्त संसार में प्रकाश फैला रहा है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। पक्षीराज, आप हमें ऋषि श्रेष्ठ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? हम तो आकार में बहुत छोटे हैं। केवल आकार में, और श्रेष्ठता तो आकार से नहीं, बुद्धिमानी से प्राप्त होती है, ज्ञान से प्राप्त होती है। आप सब इतने तेजस्वी हैं कि आपके तेज को मैंने दूर से ही आभास कर लिया था। आपकी आभा इतनी पवित्र, इतनी दुर्लभ है कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं। आप सब निश्चित रूप से महान हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत कम प्राणी है जो हमारे तेज का आभास करने में सक्षम है। यह तो तुम्हारे उत्तम पालन पोषण और संस्कारी व्यक्तित्व का प्रमाण है। धन्य है तुम्हारे पिता महर्षि कश्यप और धन्य है तुम्हारी मां विंता, जिन्होंने ऐसे निष्ठावान और सद्गुणी पुत्र को जन्म दिया। अधिकतर प्राणी शक्ति प्राप्त करते ही पहले अभिमानी हो जाते हैं, फिर अज्ञानी। किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम इतने शक्तिशाली होने के बाद भी न केवल स्वयं से दुर्बल व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो, बल्कि तुम्हें इस बात का भी आभास है कि छोटे से छोटे प्राणियों में भी कोई न कोई विशेष शक्ति अवश्य होती है। इसलिए हम सब तुम्हें आज अणिमा और महिमा का वरदान देना चाहते हैं। अणिमा वह सिद्धि है पुत्र, जिससे तुम अपना आकार जितना छोटा चाहो कर सकते हो, और महिमा वह सिद्धि है जिससे तुम अपना आकार जितना विशाल चाहो कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं धन्य हुआ ऋषि श्रेष्ठ। कहाँ रह गया गरुड़? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं जब भी गरुड़ को देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे जैसे माँ स्वयं मेरे समक्ष है। वही सौम्य भाव, वही निर्मल स्वभाव, गरुड़ सत्य में माँ का प्रतिबिंब है। भैया,
अपने छोटे भाई को आशीर्वाद नहीं देंगे? माँ भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे शीश पर हाथ फेरती होगी, तुम्हें आशीर्वाद देती होगी बिल्कुल इसी तरह। और कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही स्नेह से तेरे गालों को सहलाती होगी। तुझे अपने हाथों से स्नान कराती होगी। जब तुम्हें भूख लगती होगी तो अपने हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन तुझे अपने हाथों से खिलाती होगी। माँ के स्पर्श को अनुभव कीजिए भैया, आपको अच्छा लगेगा। गरुड़ के आने के पश्चात क्या होगा ये सोच के भय लग रहा है क्या, जो दिन में ही स्वप्न देखना आरंभ कर दिया? क्या हुआ? वही जो आपने कहा महारानी, दिन में ही स्वप्न देख रही थी मैं। एक बार मेरे पुत्र मेरे पास वापस आ जाए फिर मौत पुत्र के सारे स्वप्न बिखेर दूंगी मैं। स्वप्न ही सही,
मुझे यह आभास तो हुआ कि मेरा परिवार बिखरा हुआ नहीं है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ समय भले ही ना बिताया हो, पर फिर भी इनके मध्य प्रेम की एक अदृश्य डोर है, जिसे ना समय तोड़ पाया है ना दूरी। आज तुझे अपने इतने पास देखकर अपने हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे जैसे मां को हृदय से लगा लिया हो। शब्दों में वो सामर्थ्य ही नहीं है गरुड़, जिनमें मैं बता सकूं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं। मेरे जन्म के बाद मैंने मां को जो श्राप दिया था, उसके बाद तो मां मुझे मां आपसे बहुत स्नेह करती है भैया। जितना आपका मन उनसे मिलने के लिए आतुर है, उससे कहीं अधिक व्याकुल है उनकी आंखें आपको निहारने के लिए। भैया देखिएगा, जब आप मां के सामने आएंगे ना, तो मां मुझे भी भूल जाएंगी। आपके सामने मेरा स्नेह कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए। तेरे इन शब्दों ने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी गरुड़। चिंता? कौन सी चिंता? गरुड़, इस संसार में जितने भी बड़े भाई होते हैं ना, सब एक से होते हैं। अपने छोटे भाई की सुरक्षा तो करते हैं, किंतु उन्हें सताने में, उन्हें तंग करने में हमें और भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। मुझे लगा कि हमने अपना बचपन साथ में नहीं बिताया, साथ में खेले नहीं, साथ में शरारतें नहीं की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि औपचारिकता की छाया हमारे संबंध को पूरी तरह से ढक ले। और हमारे मध्य वो भाइयों वाला विशेष नाता वो कभी बन ही ना पाए। पर तू जिस तरह मुझसे अकारण ही चिढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि दूर होने के बाद भी हमारे बीच जो संबंध है वो विशेष नहीं, अति विशेष है गरुड़। तू जानता है गरुड़, माँ और पिताजी चाहते थे कि उनके दोनों पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने। अवश्य ही मेरे पिछले जन्मों के कर्म रहे होंगे कि मैं उनका यह स्वप्न पूरा करने में समर्थ नहीं हूं। पर तू है गरुड़, इसीलिए तुझे माँ, पिताजी और मेरे लिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा गरुड़। माँ को दास्ता के बंधन से मुक्त करवाना ही होगा तुझे। मैं आपको वचन देता हूं भैया, मैं माँ को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा। वचन देता हूं मैं। किंतु गरुड़, तू तो स्वयं कदरू माँ और नागों का दास बन चुका है, फिर तू ये कार्य कैसे करेगा? मैं नहीं जानता भैया। हाँ तो इतना जानता हूं कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा मैं। बस किसी तरह बड़ी माँ प्रसन्न हो जाए तो हो सकता है उनका मन भी बदल जाए। इसीलिए तो मैं यहां तक आया हूं, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो पाए। तब तो मुझे तेरा समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जा, शीघ्र जा और सूर्य देव से भेंट कर। जी भैया, परंतु उसके पहले मुझे आपसे एक भेंट चाहिए। पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे कुछ मांगा है, बोल क्या चाहिए तुझे? भैया, जब से आप मां से दूर गए हैं ना, मां प्रतिदिन भोर की लाली माँ में आपको देखती है और उसकी बूंदों में आपकी पीड़ा अनुभव करती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, पर मैं जानता हूँ भैया कि माँ आपसे मिलने के लिए तरस रही है। आपको हृदय से लगाना चाहती है वो। इसलिए भैया आपको घर आना होगा। घर? भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप घर आएंगे
शीघ्र दीजिए बच्चों। माँ ये सुनेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी। अब आपकी प्रतीक्षा करेंगे भैया। आज्ञा दीजिए। पहले दूध फटा और अब ये। प्रणाम सूर्यदेव। यशस्वी भव। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं पक्षीराज। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करना, उन्हें प्रसन्न करना ही मेरी वास्तविक इच्छा है सूर्यदेव। इसीलिए तो मैं यहाँ आया, उनके लिए सूर्य पुष्प लेने। सूर्य पुष्प तो एक माध्यम है गरुड़। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है कद्रू ने? संभव है वो मेरी परीक्षा ले रही हो। मैं अभी अभी उनका दास बना हूँ, तो हो सकता है वो मुझे जांच रही हो कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए अपने प्राणों को संकट में डालूंगा या नहीं। पर तुम जिस इच्छा से यहाँ तक आए हो वो मैं पूरी नहीं कर सकता गरुड़। मैं तुम्हें सूर्य पुष्प नहीं दे सकता। शोर कैसा है भैया? अश्रुगुण का स्वर ऐसा ही होता है काली। इसका कारण पता करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गया हो। चलिए देखते हैं। क्या हुआ दासी माँ? ये तो नाग भाई है, ऐसे नीचे कैसे आ रहे हैं? और गरुड़ कहाँ है? भैया मुझे लगता है कि सूर्य लोक के निकट पहुंचते ही तापमान बढ़ने लगा होगा और हमारे भाइयों ने निश्चय किया होगा कि वापस पृथ्वी लौट जाएं।